नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मार्केट का इस्तेमाल किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान समेत विभिन्न संगठनों के द्वारा रिपब्लिक डे पर ब्लैक डे मनाने की गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान की इस कोशिश पर भारत ने पानी फेर दिया है। मुल्क तिरंगे के रंग से शराबोर है। घाटी का लाल चौक ट्राइकलर में नहाया है। यहां तक कि पूर्व आतंकी ने झंडा फहराया है। तिरंगे के रंग में डूबी घाटी, क्या ये है नई परिपाटी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी हम कराएंगे। तो भारत विरोधी अभियान, ये है तिरंगे की शान। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान जावेद बेग साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दरमियान इरफान हफीज लोन साहब हैं, आपका स्वागत करते हैं। वरिंदर सिंह साहब स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के, इस चर्चा में शामिल है, आपका भी स्वागत करते हैं। और खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर एजाज हुसैन साहब अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक शख्स जो अपने घर के ऊपरी हिस्से पे चढ़ता हुआ और तिरंगा लगाता हुआ नजर आ रहा है, ये दरअसल पूर्व आतंकी है। यानी पहले वो मिलिटेंट आतंकी सफे में शामिल थे, लेकिन अब वो तिरंगा उठा रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है, और जो पाकिस्तान की तरफ से टूल किट का इस्तेमाल करते हुए भारत को बदनाम करने की कोशिश, वो भी रिपब्लिक डे के मौके पर की जा रही है, तो क्या ये जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से और पूरे देश से इसका जवाब दिया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके मुताबिक ये जम्मू कश्मीर में जश्न यानी गणतंत्र दिवस से पहले की तस्वीरें हैं। लाल चौक जो है ट्राई कलर में डूबा हुआ है, तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं ताकि गणतंत्र दिवस को जोरों शोर से मनाया जा सके। तो क्या यह माना जाए कि भारत का यह जवाब है? लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इरफान हफीज साहब है। इरफान हफीज साहब, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, आप तो खैर जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रख रहे हैं, तो आपने तो ये तस्वीरें देखी होंगी पहले की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में क्या फर्क है, आप ये बताइएगा। साथ ही साथ जो भारत को बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तान से की जा रही है, हालांकि कुछ दिनों पहले भी इस तरह कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। बार बार ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता है, तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अवाम पुरअमन तरीके से हर मसले का हल चाहते हैं, और उनकी अगर कोई उनकी पुरअमन तरीके से अपने अधिकारों की बात करते तो उनकी कोई तिरंगे से नेशनल फ्लैग से लड़ाई नहीं है, भारत के लोगों से लड़ाई नहीं है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो उस अन्याय पे बात रखते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, और पर्टिकुलरली जो लोग संविधान के धारे में बात करते हैं कि हमें तीन शर्तों पे भारत के साथ हमने हाथ मिलाया था और हमारे साथ प्रधानमंत्री अपना था, सदर रियासत था हमारा, 370-35 सब चीज ले लिया, स्टेट ले लिया, स्टेट का विभाजन कर लिया, पहली दफा इतिहास में किसी स्टेट को आपने यूटी बना दिया। आप सिन्हा जी, जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें कंट्राडिक्शन है। हाँ। पिछले 30 साल आप एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, आप इसकी रिसर्च करिए और आर्काइव्स में देखिए, पिछले 30 साल से यहां पर जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार थी, चाहे वाजपेयी जी के या मनमोहन सिंह जी या नरसिम्हा राव जी, सबका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, वो यहां पर तिरंगे का जो रिपब्लिक डे हो या स्वतंत्र दिवस हो, इसे दिल से मानते हैं। तो आज जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हैं कि आज लोग मानने लगे हैं, मुझे लगता है वहां पर वो जो है कंट्राडिक्शन है। पहले आप इस कंट्राडिक्शन को दूर करिए और समझिए, उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वाकई ही मैं समझूंगा कि यहाँ पर जो है, एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ और बहुत ही मुद्देबाना दरखास्त मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जो तस्वीरें सामने आती हैं उसी के बाद सवाल खड़ा होता है। पहले ये कहा जाता था कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि वहां पर फहराने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लाल चौक भी ट्राई कलर में डूबा हुआ नजर आ रहा है,
तो ये सवाल जो कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये मैं आपसे पूछ रही हूँ आप यहाँ के रहने वाले सर और लीगल एक्सपर्ट? बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, या जो पहली सरकारों का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होता था पिछले 30 साल लगातार यहाँ पर बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ मेरा, मैं वही कह रहा हूँ जो जिस तरीके से आप सामने रख रहे हैं, मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूँ कि जो पिछले 30 साल ऑफिशियल स्टैंड सरकारों का रहा है कि यहाँ पर लोग दिल से तिरंगे को लहरा रहे हैं। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ, पहले ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती थी क्या जो अभी तस्वीरें दिखाई देती हैं? क्या इनमें कुछ 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 अलग है क्या? मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। आपको मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ एक कश्मीरी होने के नाते कि आज भी हमारे फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपहिल टास्क होता, हर पंचायत में उनको सुरक्षा देनी पड़ती है, जहां पर भी हम लोग जो भी लोग यहां पर वहां पर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तिरंगे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम चाहते सवाल किया था कि पहले के से लेकर अब में कुछ फर्क आपको नजर आता है क्या? मैं बदलाव की बात आपसे कर रही थी, बात पाकिस्तान की हो रही थी और आप कहां पर घुमाकर लेकर जा रहे इरफान साहब, सीधे तौर पर आप इसे मेरा स्टेटमेंट बता रहे हैं। फर्क है आपको नजर सामने दिख रहा है, कश्मीरी पंडित वापस आए, कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, यहाँ पर अपसफा जो है रिवोक हो गया, डिस्टर्ब्ड एरिया रिवोक हो गया, यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, कोई जेल में नहीं है, और आपको ये जो पट्टी आंखों पे आपने पट्टी बांध दी है, ऐसी बात नहीं है, पट्टी नहीं बांधी। एक सेकंड इरफान साहब, ऐसे इल्जाम और आरोप मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता है। सीधे तौर पर मैंने ये सवाल किया था, एक सेकंड प्लीज। हजारों में बच्चे जेल में है, सपा है, हाँ तो आप बोलिए ना कि मुझे नहीं बदली है तस्वीर। अरे भाई आप तो बोलिए ना कि तस्वीर नहीं बदली। एक सेकंड इरफान साहब, आपके पास वक्त आपको दिया जाता है आपकी बात कहने का, लेकिन आप इतनी दूर चले जाते हैं जो बात कहनी होती है उस बात को छोड़कर कहां कहां घूमकर चले आए। मेरा सवाल सीधे ये था कि कुछ बदला हुआ आपको नजर आता है, तो आप कहते नहीं बदला नजर आता है, ठीक है आपके मुताबिक आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आरोप मत लगाइए प्लीज, अच्छा नहीं लगता इरफान साहब। आप हेडमिस्ट्रेस की तरह यस सर नो में जवाब चाहते हैं? नहीं नहीं यस सर नो सर में जवाब नहीं चाहते हैं। एक सेकंड प्लीज, जो सवाल आपसे पूछा था कि अभी टूलकिट की बात हो रही थी, पाकिस्तान ब्लैक डे मनाने की कोशिश कर रहा है रिपब्लिक डे के मौके पर, और अब अगर हम जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखें तो जम्मू कश्मीर से आज की हम बात कर रहे हैं ना, हम कल की आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा, तो जम्मू कश्मीर में आज जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें तिरंगे के रंग में कहीं तिरंगे झंडे को तैयार किया जा रहा है, कहीं पर बच्चे तिरंगा झंडा लेकर खड़े हुए हैं, और कहीं पर देखिए मिलिटेंट जो पूर्व में मिलिटेंट आतंकी था वो अपने घर पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वही आपसे सवाल पूछ रही थी, आपने कहा कि ये पहले भी देशभक्ति भावना देशभक्ति की भावना थी लोगों में, आपने जवाब दिया, लेकिन मैं वही सीधा सवाल आपसे पूछ रही थी, तो क्या कोई बदलाव है या नहीं है, लेकिन आप इसको दूर दूर लेकर जाए थे। खैर दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। खास मेहमान एक और हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इंजीनियर एजाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, स्वागत है आपका। सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग साहब जुड़े हुए हैं, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। इरफान हफीज साहब से हमने पूछा, बहुत दूर चले गए, जावेद बेग साहब कुछ बदलाव आपको दिखता है, और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश एक्सपोज या फिर प्रयोग करने की जो कोशिश भारत को लेकर की जाती है सोशल मीडिया पर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए अगर आज के डेट में किसी को तब्दीली दिखेगी नहीं तो माफ कीजिए मेरे हिसाब से वो अंधा है। 2019 से पहले हमारे बच्चे पैलेट गन का शिकार होते थे, 2019 से पहले करप्शन यहां पे ऑर्डर ऑफ द डे होता था, 2019 से पहले यहां फैमिली वाद चलता था, चंद एक फैमिलियां चलाती थी, लेकिन 2019 के बाद मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए जी। हाँ 2019 के बाद एक भी बच्चा हमारा पैलेट गन का शिकार नहीं हुआ, जो पैलेट गन यहां कांग्रेस एनसी और पीडीपी ने लाए, पैलेट गन के जरिए उन्होंने हमारे हजारों सैकड़ों बच्चों को अंधा किया। उससे पहले ये जो है पकड़ दकड़ होती थी, किसी को भी जेल में रखकर उसके खिलाफ एफआईआर लगता था, आज के डेट में ऐसा नहीं है। क्या यह बदलाव नहीं है? 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा गल्फ से आया, क्या वो बदलाव नहीं है? 23,000 करोड़ के ऑनरेबल पीएम साहब ने खुद प्रोजेक्ट यहां पर, जिसमें रेल लिंक हमारे जम्मू कश्मीर में, जो अभी जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन पिछले 75 साल से एक ही रियासत होने के बावजूद अलग अलग थे,
उनको कनेक्ट करने जा रहे हैं। मार्च तक वो आप हमारे बच्चे आपको ये बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अफसपा यूएपीए और ये तमाम चीजें जो है वो नहीं दिखाई दे रही। मैं वहीं पे जाना चाहूंगा अफसपा जो कि यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, अफसपा जाना चाहिए बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। अभी अभी एक दो हफ्ते पहले ऑनरेबल पीएम साहब के ही ऑफिस से एक स्टेटमेंट निकली है जिसमें डिस्ट्रिक्ट बडगाम और गांधरबल से डीमिलिटराइज कर रहे हैं वो, और ये खुशायल बात है, लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग हसद और नफरत की वजह से हकीकतें नहीं देख सकते हैं। बदलाव तो हुआ है, मानसिकता में बदलाव है। आप देखिए आज हमारे बच्चे तिरंगे को लेकर सड़कों पर उतर कर अपने उस जज्बे को दिखा रहे हैं। क्या पहले ऐसा नहीं रहता था? जज्बे को दबाया गया था तो क्या पहले ऐसा नहीं रहता था? नहीं, ऐसा क्यों होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था क्योंकि जो यहाँ सक्सेसिव रिजीम थी वो चंद एक लोगों को, चंद एक खानदानों को अकोमोडेट करके नई दिल्ली को ब्लैकमेल करती थी। ठीक, तो ब्लैकमेलिंग का जमाना चला गया। सोशल एक्टिविस्ट को लगता है कि बदलाव हुआ है, पहले जैसा अब नहीं रहा। लेकिन विपक्षी पार्टी पीडीपी इसे कैसे देखती है, क्या उन्हें बदलाव नजर आता है नहीं आता है? वरिंदर सिंह साहब, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सना जी, जो इशू पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की, जम्मू कश्मीर के शहरियों की, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की भारत के प्रति ईमानदारी या उनकी देशभक्ति के ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या लाल चौक आज ही हिंदुस्तान का हिस्सा बना या इससे पहले भी था? देखिए इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह से जिस चीज को प्रचारा जा रहा है, सुनिए, लाल चौक इससे पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। 1947 में जब देश के साथ जम्मू कश्मीर का अलाक हो गया था तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई ना परेशानी वाली बात है। इवन की जो पीओके पाकिस्तान के पास है वो भी जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो भी भारत का हिस्सा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस इश्यू पे आज हम बात कर रहे हैं, भाई तिरंगे पे कौन सी सियासत है? हम देश के हिस्सा है, देश के नागरिक है, हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, तिरंगे की हम इज्जत करते हैं। जो आप अभी ये एक सरेंडर मिलिटेंट की आप बात कर रहे हैं कि वो किश्तवाड़ के रहने वाली हैं, जिसने 2006 में अवंतीपुरा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, तो हम तो ये बताना चाहते हैं, आप याद कीजिए कि वो माहौल बनाया किसने था 2006 में, सरकार किसकी थी? ये हमारी पॉलिसी थी पीडीपी की, हीलिंग टच के तहत। ये एक मिलिटेंट की बात नहीं आज हम कर रहे हैं, आज अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं, तो आप जरा उसके पीछे जाएं कि उनको इस मेन स्ट्रीम में लाने वाले कौन लोग हैं, किन लोगों ने जम्मू कश्मीर में मेहनत की है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी कोई जम्मू कश्मीर पे सियासत मत करे। मैं ये कहना चाहता हूं तिरंगे पर सियासत कोई ना करे, तिरंगा हम सबकी आन बान और शान है। मैं हमें याद है वो भी वक्त, अभी मेरे भाई जो सोशल एक्टिविस्ट है जावेद बेग साहब बोल रहे थे कि हमें बदलाव नजर आ रहा है। भाई आपने कहा बदलाव नजर आया, आपको 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल गई। एलजी साहब ने कहा 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई है, लेकिन जब पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट में लिखित सरकार से जवाब मांगा तो एमओएस होम कहते हैं वहां 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। भाई ये बदलाव है जो कागजों में आ रहा है, ग्राउंड पर नहीं है। इन्होंने नौजवानों की बात की, जवानों की बात की, मुझे बताइए जब पैलेट गन की बात कर रहे थे या पुरानी बातें कर रहे थे, भाई इस 2019 के बाद तो जम्मू कश्मीर की जवानी जेलों में इन्होंने साड़ दी है, गाल दी है। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान जेलों में है, इसके बारे में कोई बात करता है? आज जो नौजवानों की हालात है इसके बारे में कोई बात करता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि लाल चौक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस पर कोई सियासत वाली बात ही नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो माहौल पहले था, जिस तरीके से जैसे हमारे एक दूसरे मेरे भाई हैं उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल सरकारों ने काम किया, बिल्कुल सही बात है कि हर एक सरकार जो आई है उसने जम्मू कश्मीर की बेटरमेंट के लिए काम किया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, भाई वो तो हमारे साथ धोखा था। ठीक है, हमारी एक स्पेशल स्टेटस स्टेट, एक प्रिंसेस स्टेट को स्पेशल स्टेटस छीना गया, स्टेट को यूटी में बदल दिया, और सबसे बड़ी बात अलाग करने वाले उस वक्त महाराजा हरि सिंह साहब थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अलाग किया इस रियासत का। तो उन्हीं की रियासत को दो हिस्सों में बांट दिया। किसने हक दिया इनको कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए? आज लद्दाख में लोग एजुकेशन पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि 2019 से, और बार बार आप ये कहते हैं कि बहुत कुछ बदलाव हुआ, बदलाव के दूसरे रूप को भी हम दिखा रहे हैं। आपने सुना
हाँ इरफान हफीज लोन साहब की बात है, आपने सुनी वरिंदर सिंह की बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये क्रेडिट खुद लेने की कोशिश क्यों कर रही है कि बहुत कुछ बदला है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला है? देखिए ग्राउंड पे सब कुछ बदला है। आज जो लोग यहाँ पे तिरंगा लेके खड़े हैं, जो आज भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और बहुत सारे जो कश्मीर के जो नेता है जो बोल रहे थे कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा, वो लोग भी आज तिरंगा का सम्मान करते हैं। मैं ये मानता हूँ, पहले तो सबसे पहले अपने देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो बदलाव हुआ है ये वाकई में ग्राउंड पे बदलाव एक बहुत बड़ा हुआ है और जो परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन? असल में जो हालात है, जो तिरंगा को दूर रखा था, वो मैं बोलता हूँ जो तिरंग आज हर एक घर में तिरंगा है। आज आम फर्ज जाके निकलता है और तिरंगा अपने हाथ में लेके जाता है। पहले ऐसी मानसिकता नहीं थी, यहाँ लोग डराते थे, जो एनसी वाले पीडीपी वाले ये जो अभी पीडीपी के बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा तो इन्होंने यहाँ पे हालात खराब किए। ये जो हीलिंग टच की बात कर रहे हो, हीलिंग टच ये है कि आतंकवादी को शरण दो, क्या इसको हीलिंग टच बोलोगे? आज अगर हालात बदले, आज कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज हालात सामान्य है। आज यहाँ हर एक जो आप तिरंगे की बात कर, हर एक घर में मुझे याद है जब 2016 में आप उसको तो बड़ा बेच रहे हैं। क्या आतंकी सरेंडर क्यों कराए? मैं बोलता हूँ पॉलिसी किसने लाई थी? गुड टेररिस्ट डेड टेरिस्ट इज ए गुड टेरिस्ट। नहीं नहीं आप मुझे बताओ ना, इसको लाया था इनको मेंशन में? सॉफ्ट सेपरेटिज्म एंड सॉफ्ट टेररिज्म, वी डोंट अलाउ सॉफ्ट टेररिज्म। टेररिज्म एट एनी कॉस्ट। आप बता दीजिए ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। कौन लाया इनको मेंशन में? किसकी पार्टी ने इनको मेंशन में लाया? पीडीपी के टाइम में क्या किया आपने? आप मुझे नहीं पता, तिरंगा नहीं थे उठा सकते? किस पार्टी में थे आप? याद है लेकिन 2016 में आप रिकॉर्ड से लाया 2000 रिकॉर्ड देखिए 2017 में आपकी महबूबा कहां थी? कहां उसने तिरंगा चढ़ाया? जरा 2017 का आप निकाल के दिखाओ। वो तो सारा में क्यों उनके सरकार में थे? बहुत बताइए आप उठा रहे थे ना? क्यों बीजेपी को जाता है? छोड़ देते ना कि हमने देशद्रोही है, तब तो आपको सरकार अच्छी लगती थी, तब को आपको सरकार अच्छी लगती थी। अगर हम टेररिस्टों की बात करते थे तब तो नहीं छोड़ी सरकार आपने, तब तो आप अपने देश की बात है। महबूबा की पॉलिसी पीडीपी यही बोल रहे, किस लीडर के साथ सरकार में बैठे थे आप? मैं बोलता हूँ आप सॉफ्ट टेररिज्म को आज भी सपोर्ट करते हो, आज टेररिज्म इकोसिस्टम आप डराते हो लोगों को पार्टी होगी जाता है तो लहराने को लेकर या फिर उसकी तस्वीरें देखने को लेकर ये सवाल क्यों बनता है? आज इसी का जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो वतन से मोहब्बत को झुटलाया नहीं जा सकता और वतन से मोहब्बत को छिपाया नहीं जा सकता, ये कई लोगों का कहना होता है। और हम ये जानते हैं कि अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा है तो जाहिर सी बात है उसे रोका भी नहीं जा सकता। आज इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा और साथ ही साथ क्या ये टूलकिट को चलाने की जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही, तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन से क्या ये जवाब नहीं है पाकिस्तान को? आज इस मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है इरफान हफीज लोन साहब। लोन साहब, आपने कई सरकारों को देखा, मौजूदा जो स्थिति है, अभी कुछ देर पहले आपने सुना वरिंदर सिंह साहब को, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट को मेनस्ट्रीम के सफों में लाने की कोशिश पीडीपी की तरफ से की गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि एनसी और पीडीपी लोगों को डराते थे कि अगर आपके हाथ में झंडा होगा तो आपके साथ बुरा कुछ होगा, क्या ऐसा था? देखिए सना जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, आप इसे इतनी आसानी से जिस तरीके से पेश कर रहे हैं वो आप सही नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर, बिलखसूस कश्मीर में 1,00,000 लोग मारे गए हैं। मैं खुद इसका शिकार हूं, मेरे वालिद साहब इन हालातों के शिकार बने हैं। हर घर में ये जो हालात पिछले 30 साल से, हर कोई इसका शिकार बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1,00,000 लोग मारे गए, यहां पर 3 युद्ध हो गए, कारगिल हो गया, उसके बाद आप
को ये समझना चाहिए, अगर सबसे ज्यादा कोई मिलिटराइज जगह है वो हमारी कश्मीर है। हमारी सेना हमेशा अलर्ट रहती है, उनको कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ता आपको पता है। अब सफा यहां डिस्टर्ब्ड एरिया है यहां पर। वाजपेयी जी ने तभी जाके कहा था कि एक समस्या है, इस समस्या को इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत से हल करना होगा। इस कारण शिमला एग्रीमेंट में कहा गया है कश्मीर मसला है, इसे हम बातचीत से हल करेंगे। इसी कारण आपको मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक समस्या है, उसी कारण इंटरलोकेटर्स यहां अपॉइंट हुए। क्या देश के किसी अन्य राज्य में इंटरलोकेटर्स अपॉइंट हुए? यहां पर वर्किंग ग्रुप्स का कयाम में आया, यहां पर केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश से और जम्मू कश्मीर जी जी समस्या से बात कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। एक सेकंड सर प्लीज, एक नॉर्मल जगह नहीं है मैम, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, हम सबको पता है। लेकिन प्लीज मुझे आप दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट मत करिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। अब जब मैं सीधा तौर पर सवाल आपसे कह रही हूँ कि पीडीपी कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि पीडीपी और एनसी ने बदनाम किया और लोगों को डराया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बीजेपी अभी कह रही है तो क्या बीजेपी झूठ बोल रही है? मैं सीधे तौर पर ये जानना चाहती हूँ सर, जो अभी अभी पूरे देश के लोगों को जो तस्वीर दिखाई दे रही है क्या वो पहले दिखाई दी? मैं वो पूछ रही हूँ सर आपसे, सेंसिटिव सेंसिटिव इलाका है, हम सबको पता है। हमेशा सना वारिस जी, हमेशा सत्य की विजय होती है, हम सब जानते हैं। खुद से इनसे पूछ सकते हैं कि अगर पीडीपी गलत थी तो पीडीपी के साथ कुछ साल पहले किन्होंने सरकार बनाई? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत थी तो उनके इतना महत्वपूर्ण विदेश मंत्रालय उमर अब्दुल्ला के साहब के पास क्यों दिया गया, सरकार में वो क्यों रखे गए? अगर ये सब कहते हैं कि आप इनकी बात को मानते हैं तो मैं यहां का नागरिक होने के नाते मैं सच बोल रहा हूं कि जब 5 अगस्त का फैसला हुआ इन्होंने कहा वहां लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि पूरी घाटी कर्फ्यू में थी, कम्युनिकेशन पूरा बंद था। इन्होंने कहा वहां आरटीआई एक्ट नहीं है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं है, पार्लियामेंट में कहा, जबकि वो सारे कानून यहां पर थे। और मैं आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि वो कानून थे, समाज के लिए और अगर ये झूठ साबित होता है मैं पब्लिक लाइफ से बाहर निकलूंगा। बीजेपी झूठ बोलते हैं, आप लोग इनसे नहीं पूछते, झूठ का पुलिंदा 15 लाख काला धन कहां गया? एक जवाब देने के लिए ऐसे लोग हमारे यहाँ जेएंडके में, हमारे यहाँ जेएंडके में ऐसे लोग अभी भी है जो पाकिस्तान को भी खुश करेंगे और अपने देश को भी खुश करेंगे, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं चलेगी। मैं आपको बोलता हूँ धारा 370 हटने से मानसिकता बदली यहाँ के लोगों को। अगर आज लोग बंद है उनके ऊपर टेररिज्म की, वो इको टेररिज्म में बंदे थे, बोलो वाल्मीकि समाज को क्या किया? क्या वो लोग नहीं थे? एससी के लोग नहीं थे? एसटी के लोग नहीं थे? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं था? अरे कश्मीर भाई, यहाँ पे आज आज बोखलाए हुए हैं यहाँ के जो सेपरेटिज्म मानसिकता लोग, क्योंकि उन्हें आज की डेट में 35A मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। आप बताइए आज गोल्डन कार्ड मिल रहा है सब लोगों को? परिंदर साहब आज स्कॉलरशिप मिल रही है लोगों को? परिंदर साहब जी जी करेंगे संविधान के दायरे में। हफीज साहब, इरफान साहब किसी को बख्श नहीं रहे, वो कह रहे हैं एनसी भी, पीडीपी भी, बीजेपी भी, सब इसके जिम्मेदार हैं। जो नागरिक जम्मू कश्मीर के हैं उनका दर्द और पेन वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदार होगी? एक सेकंड, आप सारा क्रेडिट खुद मत लीजिए प्लीज। वरिंदर सिंह जी की सरकार है, वरिंदर सिंह जी अभी कह रहे हैं कि जो हालात है उसे मीडिया प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में देशभक्ति का जज्बा नहीं, पहले भी था, लेकिन फिर क्यों ये सवाल बनता है कि ये सवाल, इस सवाल का जवाब जावेद बेग साहब मैं आपसे लूंगी, लेकिन वरिंदर सिंह साहब सभी सरकारें आई और गई लेकिन कश्मीर की जो स्थिति है वैसी की वैसी बनी रहती है, और ये सवाल क्यों आखिर उठ जाता है कि अभी देशभक्ति का जज्बा जो है शराबोर हो रहा है, ये क्यों उठता है फिर हर बार? देखिए ऐसे है कि जम्मू कश्मीर शुरू पिछले 30 साल से एक सेंसिटिव स्टेट है, क्योंकि यहां पर मिलिटेंसी है पिछले 30 साल से, ये तो मान के चले। दूसरी बात है, जितनी भी सरकारें आई, पॉपुलर गवर्नमेंट जितनी भी बनी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम किया। और मैं तो ये कहूंगा
कि बहुत सारा काम जो था इस जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी बहाल करने के लिए मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लीडरों ने इसमें बलिदान दिया है, वो तिरंगे के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि हमें आज भी याद है वो वक्त, कोई वक्त ऐसा था कि तिरंगे की बात करने वाले को इसमें था, जब मिलिटेंसी आई, जब मुफ्ती साहब पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे तो उन्होंने उस वक्त भी तिरंगे को उठाकर तो तिरंगे की आन बान शान के लिए काम किया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी मुझे बताइए आपने पीडीपी के साथ हमारे साथ जब सरकार बनाई तो वो सरकार किस आइन के साथ चली थी? हाँ। हिंदुस्तान के आइन के साथ के सरकार चली थी, तब तो हम ठीक थे, आज हम कैसे कर सकते हैं? हमारा तब भी वही था, आज भी हमारा वही लफ्जों में आपका जवाब। हाँ जी, मुझसे पूछ, सॉरी एजाज साहब से। हेलो जी, मैं ये मानता हूँ उस टाइम जो हालात बने थे जब सरकार बनी थी, बीजेपी के पास और कोई उपाय नहीं था और हम लोग देशभक्त, ठीक है, कुर्सी चाहिए थी तो कोई उपाय नहीं था, एक सेकंड जावेद बेग साहब, जावेद बेग, कुर्सी चाहिए थी, हम अच्छे थे, कुर्सी नहीं चाहिए तो तिरंगा झंडा पहले हाथ में नहीं उठाया जा सकता था, आज उठाया जा रहा है, ये सवाल क्यों बनता है फिर? सर मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे दो मिनट चाहिए और कोई दो मिनट नहीं है सर, हमें खत्म करना है डिबेट प्लीज। मेरे वीरेंद्र सिंह साहब जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, ये मुजाब बयान दे रहे हैं कि पहले जो सरकारें बनी उनने अच्छा काम किया, ये कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे, अब इनने सो कॉल्ड पीएजीडी बनाया, आज के डेट में उनकी सरकार भी, आपको उमर अब्दुल्ला के पीए थे जवेद लोन साहब, आपको उमर अब्दुल्ला के पीए थे, आप तो 370 बरस थे, आप किस मुझसे बातें याद कर रहे हो? मुझे आप बताओ, आप थे उसके पीए नहीं थे? मैं तो फखर से कहता हूँ पीडीपी के साथ पिछले 22 साल से, आप कल तक तो उमर अब्दुल्ला के पीए थे, आज आप कहते हो नहीं जी उन्होंने गलत कर दिया, उसने ठीक कर दिया, पहले ये सवाल बताओ, लोगों को जवाब दो, आप उमर अब्दुल्ला के पीए थे कि नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोन साहब, आप मुझे बताओ उमर अब्दुल्ला के पीए थे कि नहीं थे? मैं पहले मेरी बात का जवाब दो, आप उमर अब्दुल्ला साहब के पीए थे कि नहीं थे? आज आप लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उमर अब्दुल्ला के पीए थे कि नहीं थे? ये कहीं ना कहीं इस बात के सबूत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब बात जम्मू कश्मीर की होती है तो बात खत्म होने का नाम नहीं लेती है, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि हम और कुछ इस पर बातें करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज 18 JKLH। नमस्कार।